स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी लाया हूँ रीजनिंग का क्लास। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, और आज हम लोग का चौथा क्लास है। दोस्तों वैसे दोस्त जो रेलवे एसएससी जीडी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डी ई ए एल का कोड दिया है 4-5-1-12, तो क्रो अर्थात सी आर ओ डब्ल्यू का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसे हल करते हैं, बस सेकंडों में दोस्तों हल कर पाएंगे, आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हमें देखना होगा कि डील को कैसे इतना लिखा गया, ठीक है, उसी प्रकार हम क्रो को लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों डील, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम सब डी ई ए एल, ठीक है। आप जानते हैं डी का स्थानीय मन क्या होता है 4, ई का स्थानीय मन क्या होता है दोस्तों 5, ए का स्थानीय मन क्या होता है 1, एल का स्थानीय मन क्या होता है 12, और बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग क्रो का प्राप्त करेंगे, ओके। चलिए आइए हम सब प्राप्त करते हैं क्रो का कोड, ओके। चलिए आप लिखेंगे यहाँ से सी आर ओ W, ठीक है। यदि आप एक बार सीख जाएंगे तो आप बिना पेन बिना कॉपी के बना सकते हैं। C का स्थानीय मन क्या होता है दोस्तों 3 होता है। R का क्या होता है दोस्तों 18। O का क्या होता है दोस्तों 15, और W क्या होता है दोस्तों 23, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप माइनस लगा दीजिए बीच में, ओके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 से 18, 18 से 15, 15 से 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 काफ़ी इंपोर्टेंट है। यदि 53/31 = 2, 45/27 = 1, 69/32 = 3 हो तो 97/26 = 8, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि 53/31 को कैसे 2 लिखा गया है, 45/27 को कैसे 1 लिखा गया है, 69/32 को कैसे 3 लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 97/26 को निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि 53/31 = 2 कैसे आया, ठीक है। चलिए हम सब लिख सकते हैं 53 को 5+3, ठीक है, अपॉन क्योंकि भागा है 3+1 यानी 31 है दोस्तों, 31 को लिख सकते हैं 3+1, बिल्कुल। देखिए 5+3 कितना होगा दोस्तों 8, 3+1 = 4, 4×2 = 8 यानी 2 आ चुका है दोस्तों, यानी 2 आ गया, ठीक है, यानी इसको यह पूर्ण किया, ओके। उसी प्रकार 45/27 को करते हैं, ठीक है, लिखेंगे हम सब। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 45 को 4+5/5 देखिए 27 को लिख सकते हैं 2+7, ठीक है। 4 और 5 जोड़िएगा कितना होगा दोस्तों 9, और 2 और 7 कितना होगा 9, अंश बटा हर है दोस्तों काट सकते हैं कितना बचेगा 1, यानी इसको भी पूर्ण किया, ओके। अब हम लोग प्राप्त करते हैं 69/32 = 3, ठीक है। देखिए आप लिख सकते हैं 69 को 6+9, ओके, बट्टे में लिखेंगे आप 32 को 3+2, ठीक है। चलिए 6 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 15, बट्टे में 3×2 = 5, 5×3 = 15, यानी 3 आ चुका दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्राप्त करेंगे 97/26, 97 को लिख सकते हैं 9+7, बट्टे में 26 को लिख सकते हैं 2+6, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 9+7 = 16, बट्टे में 6×2 = 8, 8×2 = 16 दोस्तों। 2 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 3, यदि 35+48 = 40, 23+34 = 24 तथा 15+25 = 26 हो तो 11+21 = 8, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि 35+48 को कैसे लिखा गया है कि 40 आया है, और 23+34 को कैसे लिखा गया है कि 24 आया हुआ है,
और 15 प्लस 25 को कैसे लिखा गया है कि 26 आया हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम लोग 11 प्लस 21 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 35 प्लस 48 और बराबर दिया हुआ क्या दोस्तों 40। क्या हम 35 को लिख सकते हैं 3 प्लस 5? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्या हम 4 और 8 को लिख सकते हैं 12? बिल्कुल। 3 और 5 कितना होगा दोस्तों 8, प्लस 8 4 12। ठीक है, तो 12 8 कितना होगा दोस्तों 20, और आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, 20 गुना के 40। ठीक है, सर्च पूरा हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यही मेथड इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 23 प्लस 34 बराबर 24, तो 23 को लिख सकते हैं 5 प्लस 34 को लिख सकते हैं क्या 7। ठीक है, 5 और 7 कितना होगा दोस्तों 12, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा दोस्तों 24। ठीक है, इसे भी पूर्ण किया। ओके, आइए हम लोग प्राप्त करते हैं 15 प्लस 25 बराबर 26 कैसे लिखा गया। ठीक है, क्या हम 15 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 6? बिल्कुल। प्लस 25 को लिख सकते हैं 2 प्लस 5 अर्थात 7, 7 6 13, 13 गुणे 2, 13 गुना के 26। ठीक है, यह भी पूर्ण हो गया। चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग इसे प्राप्त करेंगे, 11 को लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 21 को लिखेंगे 2 प्लस 1। ठीक है, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक दशा में, 5 गुना के 10, 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 4 काफ़ी इंपोर्टेंट है, कह रहा है यदि 3 भागे 4 बराबर 11, 4 भागे 5 बराबर 39, 5 भागे 6 बराबर 89 हो तो 6 भागे 7 का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि 3 भागे 4 बराबर 11 कैसे आया, 4 भागे 5 बराबर 39 कैसे आया, 5 भागे 6 बराबर 89 कैसे आया। उसी प्रकार हम 6 भागे 7 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 भागे 4 बराबर 11। ठीक है, क्या हम 3 को लिख सकते हैं 3 क्यू माइनस 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3 का क्यू कीजिएगा कितना होगा 27, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 16। यदि हम 27 में से 16 घटाते हैं कितना बचेगा 11 बच जाएगा, इसे पूर्ण करेगा। ओके, उसी प्रकार दिया हुआ है 4 भागे 5 बराबर 39, तो हम लिख सकते हैं 4 को 4 क्यू माइनस 5 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का क्यू हो जाएगा 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, जब आप 64 में से 25 घटाइएगा तो आपका रिजल्ट बचेगा 39, जो कि इसको पूर्ण करेगा। ठीक है, हम सब 5 भागे 6 बराबर 89 को देखते हैं। चलिए क्या आप 5 को लिख सकते हैं 5 का क्यू? बिल्कुल। 6 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर? बिल्कुल। 5 का क्यू हो जाएगा 125। ठीक है, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, 125 में से 36 घटाइएगा कितना बचेगा 89, जो कि पूर्ण करता है। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग 6 भागे 7 का प्राप्त करेंगे। आप लिखेंगे 6 को 6 का क्यू माइनस 7 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का क्यू है तो कितना होगा दोस्तों 216 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। अब 216 में से 49 घटा दीजिए, बचेगा आपका 167, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का रीजनिंग का क्लास काफ़ी अच्छा लगा। तो यदि आप रेलवे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।